हाँ जी नमस्ते, सत श्रीकाल आदाब, सलाम वालेकुम। मैं होप करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो भाई व्लॉग तो वैसे कल अपडेट करना था, बट ज़रूरी काम था। कपड़े कुपड़े भी धोने होते हैं भाई, सब्जी बनानी होती है और बहुत काम होते हैं, नहीं अपडेट किया। सो इसी वजह से थोड़ा सा बिजी थे कल, तो अभी जस्ट फ्री हुआ है। मैं सोचा चलो दो बातें कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दे दें अपने भाइयों को। सबसे पहले एक बात बता रहा हूँ, कल होशियारपुर में इंटरव्यू है, होशियारपुर पंजाब इंटरव्यू हुआ है, पुरानी लोकेशन पे। अभी लोकेशन का मेरे दिमाग में नहीं, अपने अपने एजेंट से बात कर लो। कल इंटरव्यू हुआ है, गुड लक टू एवरीबडी। ठीक है, जो बंदे वहाँ पे पहुँचेंगे मेरी तरफ से रब रखा, खींच के करो तैयारी यार। यहाँ पे ट्रांसगार्ड को बहुत ज़रूरत है बंदों की, वो आगे ज़्यादा आगे पीछा नहीं देख रहे यार। हाँ हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, ठीक है। बस एक थोड़ा हाइट का इशू है, हाइट का थोड़ा ख्याल रखना, हाइट और आपके थोड़े बहुत अगर स्किल्स हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर तो आपकी हाइट 5'8" है तो आंखें बंद करके चले जाओ, अगर 5'7" है कोशिश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 5'6" वाले ना जाएं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड थिंग इज यार, एक बंदे ने ना मेरे को मैसेज किया था और किसी का कमेंट भी आया कि इंग्लिश के बारे में है ना। तो ब्रदर देखो, अगर इंडिया पाकिस्तान या हमारी जो भी कंट्रीज़ हैं इनसे अगर बाहर जाना तो भाई इंग्लिश आनी पड़ेगी, है ना। इंग्लिश चाहिए चाहिए, विदाउट एन इंग्लिश कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात और भी बोल देता हूँ आपको, मैं अपनी बात बोलता हूँ, मैं किसी की नहीं बोलूँगा। मेरे को कुछ नहीं पता था जब मैं आया, ठीक है। थोड़े बहुत स्किल्ड थे, चलो जो भी है काम किया है, पर इतनी नहीं नॉलेज थी, मतलब आज जैसे परफेक्टली हम बात कर सकते हैं, उस टाइम में नहीं था। इंग्लिश का ना एक फंडा बताता हूँ आपको, इंग्लिश क्या है। अगर किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं, वहाँ पे जाके अगर ये बात पता लगे कि चाय पत्ती को टी कहते हैं, और ये बंदे को जितना मर्जी समझा लो, जब तक इसको टी नहीं कहते ना कि भैया टी दे दो, जब तक इस बंदे ने चाय पत्ती नहीं पकड़ानी, तो हिसाब लगा लो, आदत डाल लो, चाहे रो के कर लो चाहे हंस के कर लो, बेटा कहना तो टी पड़ेगा। तो मतलब ऑटोमेटिकली यार टी दे दे यार, ठीक है। तो समझ गए ना, ऐसा होता है यार, जरूरी नहीं होता हर कोई बंदा अपने पे अपनी माँ के पेट में से नहीं सीख के आता, ठीक है। यहाँ पे आओगे अपने आप ही समय लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नॉलेज नहीं होती। पर लेकिन अगर आप प्लस टू हो तो हर बंदे को बेसिक आती है इंग्लिश, डजन मैटर। ये मैटर नहीं रखता, मैटर ये रखता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपका वर्क एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, आपकी बातें करने का, आपकी जो बात करने का ढंग है वो सही होना चाहिए। आप मतलब आपके अंदर ऐसे स्किल्ड होने चाहिए कि जो फ्रंट ऑफ पर्सन, जो आपका बंदा बैठा हुआ आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो आपसे खुश हो जाए, खलास इंग्लिश जाए भाड़ में, ठीक है। इंग्लिश का मैटर नहीं रखता भाई, यहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे बैठे हुए हैं ना जिसको हेलो हाय करने में भी ना शर्म आती है, ठीक है। ये मत सोचा करो अपने को इंग्लिश चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना। बस आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको हिंदी पंजाबी भी नहीं आने वाली, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। और अच्छा मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रांसगार्ड का प्रोसेस 1 महीने का होता है कोई भी सिक्योरिटी कंपनी, पर मैं मेनली ट्रांसगार्ड की बात करूँगा क्योंकि अभी वैकेंसी ट्रांसगार्ड की है। 1 महीने का प्रोसेस होता है, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी फ़्लाइट हो जाती है, ठीक है। जैसे ही आप इंटरव्यू क्लियर करोगे 15 से 20 दिन बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। किसी का ट्रेनिंग से 2 दिन पहले आया था, किसी का ट्रेनिंग के बाद आता है, सो घबराना नहीं है ब्रदर, ठीक है। जैसे ही आएगा 2 महीने का वीज़ा होगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है। अच्छा मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि ये वीज़े की कॉपी मेरे को सेंड करके पूछते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो यार कॉमन सेंस है ब्रदर, पेपर पकड़ोगे जब आप, या जो आपको डॉक्यूमेंट आए होंगे उसके ऊपर सेंटर वाली साइड यार देखा करो, पेपर पूरा पढ़ा करो, ना समझ आए फिर मुझे सेंड किया करो, या कोई भी है जिस बंदे को नॉलेज है फिर उसे सेंड किया करो, पहले खुद पढ़ने की कोशिश किया करो। वहाँ पे लिखा होता है एम्प्लॉयमेंट 1, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है वो। अगर वहाँ पे लिखा होगा वीज़ा / टूरिस्ट वीज़ा, तो फिर वो टूरिस्ट वीज़ा। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा दिया जा रहा है एजेंट के द्वारा, तो भाई मत आओ, कैंसिल कर दो। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ब्लैक कलर का लिखा होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ओके। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि आपको कैसे चेक करना कि आपका वीज़ा जो है वो कहीं नकली वगैरह तो नहीं है या कहीं कोई डिफ़ॉल्टर काम तो नहीं है, डुप्लीकेट वीज़ा तो नहीं है। उसके मैं लिंक सेंड करूँगा, वो लिंक में लिंक को ओपन करके आप यूएई का जस्ट अपना पहले पासपोर्ट का नंबर डालो, ठीक है, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डालो। जैसे सर्च करोगे नीचे सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल आ जाएगी कि आपका वीज़ा लगा हुआ है और है अनटिल कब तक है। और एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो होता है ना वो 2 महीने का होता है। अभी आप सोच रहे होंगे यार हमें तो 2 साल का बोला जाता है ऐसा है, तो सुनो यार, टेंशन में ना पड़ो, ठीक है। 2 महीने का वीज़ा होता है ये, 2 महीने के करने 2 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ पे अराइवल करना होता है लाइक, ठीक है, यहाँ पे आपको पहुँचना होगा 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। यहाँ पे आके आपका वीज़ा जो आपकी कंपनी है वो वीज़ा रेजिडेंट में कन्वर्ट कर देगी। जब आपका रेजिडेंट वीज़ा लग गया तो उसके बाद आप कहीं भी काम कर सकते हो, मतलब आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आपने 6 महीने बाद जॉब लीव करनी है, आपकी मर्ज़ी है आपने 2 साल बाद लीव करनी है, एज़ यू लाइक, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो आज का व्लॉग इतना ही, सब्जी लेने जानी है, भूख लगी है, ठीक है। वीडियो पूरी देखा करो, फिर समय लगेगा क्योंकि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे पता नहीं लगता। आप थोड़ा सा क्लिप देखते हो, बाद में मेरे से क्वेश्चन पुट करते हो, तो ये चीज़ सही नहीं है भाई। वीडियो पूरी देखा करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो वीडियो कैसी लगी, और यार चैनल कर दो यार सब्सक्राइब, चैनल कर दिया करो सब्सक्राइब, पैसे नहीं लगते, मैंने बहुत बार बोला है, ठीक है। मैं जाऊँ अब सब्जी लेने, आज जल्दी फ्री हो गया तो मैं सोचा चलो थोड़ा काम कर ले, ठीक है, शाम को आसानी रहेगी। मिलते हैं कोई अच्छे से व्लॉग में, नाउ टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।